नीचे दिए गए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स वो भी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ऑन 24 में। मैं अमन कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे विंडो 10 का ऑटो अपडेट ऑफ कर सकते हैं। यार देखो, बहुत ही घटिया होता है ये विंडो 10 में जो ऑटो अपडेट आता है ना, इसमें क्या करते हैं, इस फटाफट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते जाता है और विंडो को हैवी कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विंडो स्लो भी हो जाती है। वैसे अपडेट रहेगा आपका पीसी तो ज्यादा बेटर है, बट ज्यादा भी अपडेट नहीं होना चाहिए ना कि पीसी स्लो हो जाए। तो मैं तो क्या करता हूँ कि थोड़े से अपडेट जो स्टार्टिंग के होते हैं उनको होने देता हूँ और एक हफ्ते बाद उसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि जितने अपडेट ऑफिशियल वाले होने होते हैं वो सारे एक हफ्ते के अंदर हो जाते हैं, उसके बाद परमानेंटली डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद उल्टे पुलटे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाते हैं। तो आप भी अगर ऑटो अपडेट से परेशान हो, और दूसरी चीज, जिसके पास वाईफाई नहीं है ना, तो वो जैसे ही कनेक्ट करेगा ना विंडो 10 को इंटरनेट से, उसका पूरा डेटा ले लेगा वो। तो अगर आप डेटा भी सेव करना चाहते हो और विंडो को हैवी नहीं बनाना चाहते हो तो इसको ऑफ कर लीजिएगा मेरी तरह। तो इसको कैसे ऑफ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको मेरी ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देखते रहिए टाइम 24। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और काफी इजी है यार विंडो को डिसेबल करना, मतलब 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का मैक्सिमम 20 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, ठीक है, और यहाँ सर्च बॉक्स में सिर्फ इतना लिख देना है PC, और जैसे आप PC लिख देते हो उसके बाद आपके सामने एक यहाँ पे देखिए ऐसा करके दिस PC लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 ये तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा मैनेज। तो आपको बस जस्ट इस मैनेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मैनेज पे क्लिक हम कर देते हैं और आई थिंक मैनेज पे क्लिक हो गया था, पर नीचे इस कंट्रोल पैनल पे भी क्लिक हो गया था, इसलिए वो बैक में खुल गया था। तो देखो, जब आप मैनेज पे क्लिक कर दोगे ना तो आपके सामने ही कुछ ये खुल जाएगा, ऐसा करके एक खुल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, देखना यहाँ पे आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस का, आपको इस पे क्लिक कर देना है सर्विसेज एंड एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सर्विसेज, यहाँ पे देखिए आप जहाँ जहाँ माउस ले जा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आप कर नहीं पाओगे। तो उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च करना है, ढूंढना है कि विंडो अपडेटर करके होगा या विंडो 10 अपडेटर करके होगा, हमें उसे ऑफ करना है। तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं, तो यहाँ पे CDE और W में चलते हैं, पहले R आ गया, S आ गया, U आ गया, W आ गया। देखो अब हमें W में ढूंढना है, विंडो करके कुछ लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे विंडो डिफेंडर एंड क्रिप्ट इवेंट लॉग, आपको भी ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत वाला क्या काम है यार, 2 मिनट का काम है। और मैनेजमेंट आ गया, परसेप्शन आ गया, ये रहा देखो विंडोज अपडेट, यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज अपडेट का ऑप्शन, तो आपके में भी ऐसे ही आएगा, विंडोज अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा या विंडो 10 अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप देख लेना आपके में क्या आ रहा है, बस ये लिखा होना चाहिए कि विंडोज अपडेट का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा है एनेबल, अब हमें क्या करना है, हमें इस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे चलो डबल क्लिक कर देता हूँ और उसके देखिए यहाँ पे आपको एक दिखेगा स्टार्ट टाइप, और स्टार्ट टाइप के अंदर आपको यहाँ पे देखिए एक दिखेगा ड्रॉप डाउन का मेन्यू, जिसमें आपने पहले इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है ऑटोमेटिक या फिर आप में मैनुअल सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको परमानेंट बंद करना है ऑटो अपडेट को, तो आपको इस पे डिसेबल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और डिसेबल पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट अप्लाई पे क्लिक करना है
और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, हमारे यहाँ पे ये डिसेबल हो गया है। ठीक है, अब हमारे देखो विंडो डिसेबल हो चुकी है, अपडेट विंडो अपडेट डिसेबल हो गया है और यहाँ पे देखिए ये आ गया यहाँ पे डिसेबल्ड। और अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सीधा क्लोज करना है, रिफ्रेश करना है और डन, खत्म काम। अब दोस्तों अगर आपको इसको इनेबल करना है तो इनेबल करने के लिए भी आपको सेम यही प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए स्टार्ट मेन्यू पे, पीसी लिखिए और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करिए, मैनेज, और उसके बाद सेम मतलब सेम प्रोसीजर करना है, उसका सर्विस एंड एप्लीकेशन सर्विसेज और फिर विंडोज़ ढूंढना है, विंडो अपडेट। इस बार जल्दी मिल जाएगी क्योंकि मुझे पता था कहाँ पे होगा वो, विंडो 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 अपडेट अपडेट, ये रहा। वापस से आपको इस पर क्लिक करना है और ये डिसेबल्ड हो रखा होगा, उसको ऑटोमेटिक है मैनुअल पे क्लिक कर देना और हो जाए। मेरे को अपडेट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपडेट की वजह से ना विंडो थोड़ी हैवी हो जाती है और फिर स्लो चलने लग जाता है और फालतू सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे विंडो 10 को डिसेबल कर सकते हो ऑटो अपडेट होने से। तो दोस्तों आप ऐसे विंडो 10 को ऑटो अपडेट ऑफ कर सकते हो। देखो काफी इजी तरीका था यार, मतलब 2 सेकंड में हो जाया ये, बस मैंने वीडियो लंबी बनाने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे बोलना पड़ता है यार, क्योंकि ज्यादा छोटे हो जाते हैं वीडियो तो मजा सा नहीं आता आपको भी और मुझे भी नहीं। तो बताना कैसी लगी वीडियो और लाइक, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें बिना मत जाना, और उस पर क्लिक करके फिर बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वो वीडियो देख पाए वो भी सबसे पहले। और सबसे पहले आपको कमेंट भी करना है और कमेंट करने के बाद सबसे पहले लाइक भी देना है, ठीक है, तो शेयर भी कर देना, ठीक है, और अपने आसपास सबको खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।